बार बार विचार आना, जिससे पैरानोइड डिल्यूजन्स तैयार होना, इसके बारे में मैं आज आपसे बातचीत करने वाला हूं। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक गड़ेकर। मैं मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन तथा व्यसन मुक्ति तज्ञ हूं। महाराष्ट्र में अकोला में प्रैक्टिस करता हूं। एक करीब करीब 50 साल की लेडी मेरे पास में आई, महिला, और उसको ये आई कि भाई मुझे ऐसा प्रॉब्लम है कि भाई लोग मेरे बारे में अच्छा नहीं बोलते, हमारे जो सोसाइटी के फ्लैट सिस्टम में जो लोग हैं वो मेरे बारे में अच्छा नहीं बोलते। मतलब भाई क्या हुआ, अच्छा क्यों नहीं बोलते? क्या नहीं बोले, इसकी चाल चलन अच्छी नहीं है और ये अच्छे कैरेक्टर की औरत नहीं है, ऐसा वो आपस में बोलते हैं। मतलब भाई आपको कैसा मालूम हुआ कि भाई वो ऐसा बोल रहे? नहीं बोले, उनकी जो नज़र है वो नज़र से मुझे ऐसा लग रहा है कि वो ऐसा आपस में बोलते होंगे। और बोले मुझे मतलब वो भी कभी कभी ऐसा लगता है कि घर के लोगों को भी ऐसा डाउट लगता है कि मैं अच्छी कैरेक्टर की नहीं हूँ। मतलब ऐसा कुछ हुआ क्या? नहीं बोले ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मतलब फिर चालू कैसे हुआ? तो उसको चालू ऐसे हुआ ये कि उसको एक्चुअली शुरुआत हुई ऑब्सेशन से, मतलब बार बार विचार आना। पहले उसको ऑब्सेशन थे, ऑब्सेशन में उसको ऐसे विचार आते थे कि भाई मेरी नज़र पर पुरुष की तरफ जा रही है और उसके लिंग की तरफ जा रही है, उसके छाती की तरफ, सीने की तरफ जा रही है और लिंग की तरफ जा रही है, ऐसे उसको बार बार विचार आते थे। और फिर वो देखती भी थी, मतलब विचार भी आते थे, ऑब्सेशन भी था और कंपल्शन भी था। अभी वो फिर तुरंत उसको कॉन्शियस हो जाती थी, अरे नहीं मैंने ऐसा नहीं करना चाहिए, विचार ऐसा कैसा आ रहा है, फिर इधर उधर देख लेती थी। और उसको ऐसा लगने लगा कि ये जब मैं देख रही हूँ सामने वाला पुरुष कोई आता है, कोई भी अपने सामने पुरुष आता है, तो उसके लिंग की तरफ मैं देखती हूँ या छाती की तरफ, सीने की तरफ देखती हूँ, ऐसा उसको मालूम पड़ता है, ऐसा उसको लग रहा था। तो जब उसको ऐसा लगा कि नहीं सामने वाले को ऐसा मालूम पड़ता है मैं ऐसा देखती हूँ, तो ये उसके मन की बात थी, ऐसा कोई किसने बोला नहीं आके, किसने भी कुछ कहा नहीं। उसको लगता है कि मैं ऐसा देख रही हूँ तो लोगों को ये मालूम पड़ा कि मैं ऐसा देख रही हूँ, और मैंने ऐसा देखना ये अच्छा नहीं है, अच्छे स्त्री के लक्षण नहीं है। और जब ये अच्छे स्त्री के लक्षण नहीं है तो मैं अच्छी नहीं हूँ। और फिर वो लोगों को ऐसा मालूम पड़ा कि मेरी नज़र उनके लिंग के तरफ और सीने के तरफ जा रही है, ये लोग आपस में ऐसे बात करते कि लेडी ऐसा देख रही है। मतलब देखो अभी कैसा हुआ कि वो लोग आपस में, उनको ऐसा मालूम पड़ा कि ऐसे देख रही है, वो आपस में चर्चा कर रहे कि भाई ये लेडी अच्छी नहीं है, अच्छे कैरेक्टर की नहीं है क्योंकि ये लिंग की तरफ देखती है। मतलब ये आया कहाँ से? एब्सोल्यूटली देयर वाज नो रैशनैलिटी, है ना, कोई रैशनल थिंकिंग ही नहीं था, इरैशनल बिहेवियर था। अच्छा मैंने बोला ये घर के लोगों को मालूम है क्या? नहीं बोले। घर के किसको मालूम नहीं? मतलब घर को, घर के लोगों को आप बता के मैं मेरे पास में आए क्या? नहीं बोले। किसको मालूम नहीं है ये सिर्फ मेरे को मालूम है, बाकी खाना पकाना घर में, बाकी सब काम काज करना बोला पूरा करती हूँ बोले मैं। मतलब बाकी स्किज़ोफ्रेनिया के कोई भी लक्षण उसको नहीं थे, ये पक्का था कि लोग मेरे बारे में बात कर रहे हैं और ये बात कर रहे कि इसका कैरेक्टर अच्छा नहीं है। इसने किसको जाके कुछ बोला भी नहीं, किससे कोई झगड़ा भी नहीं किया, किससे कोई पंगा भी लिया नहीं, और उसको पक्का था कि मेरी नज़र जाए। मतलब फिर अभी आज भी तुम देखती क्या लोगों की तरफ? हाँ बोले, मैं कोई पुरुष सामने आया तो मेरी नज़र जाती है उनके तरफ, और जब नज़र जाती है उनको मालूम पड़ता है कि इसकी नज़र वहाँ गई, और फिर वो आपस में बात करना चालू कर दे। ये पक्का था कि लोग उसके बारे में आपस में बात कर रहे हैं। मतलब ये पैरानॉइड डिल्यूजन के लेवल तक वो आ गया था, पैरानॉइड डिल्यूजन कि नहीं लोग तो आपस में बात करते कि इसकी चाल चलन अच्छी नहीं है। और बोले मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे अच्छा लगता नहीं है, गिल्टी लगता है, ऐसा लगता है कि मैंने खुदकुशी करना चाहिए। उसको डिप्रेशन के भी काफ़ी सारे लक्षण फिर दिखाई दिए। अब ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड केस हो गई। मतलब पहले ऑब्सेशन था, साथ में कंपल्शन चालू हो गया, बाद में पैरानॉइड डिल्यूजन्स है, और बाद में भी डिप्रेशन है, सब मिक्स पिक्चर पूरा। और उसको परेशानी है घर में, ना किसको बोल सकते, बोले मेरी उम्र 50 साल की है, घर में एक लड़का लड़की है। मतलब उनको बता दो, आप सबको बता दो खुल के कि ऐसा मुझे बीमारी है। नहीं बोले मैं ऐसा कैसा बता दूंगी। फिर वो भी बोलना चालू करेंगे, बोले अभी उनको मालूम नहीं है कि मेरे बारे में लोग ऐसा बोल रहे हैं, तो मैं ऐसा कैसा बता दूंगा। मतलब भाई आप जब तक बताएंगे नहीं लोगों को, जब खुला दिल नहीं करेंगे तो कैसा क्या होगा? ये तो बताना पड़ेगा लोगों की ऐसा ऐसा मुझे प्रॉब्लम है करके। तो नहीं बताऊंगी नहीं, मैं आप मेरा इलाज करो। मतलब भाई पहले आप ऐसा करो, घर में से किसको तो भी लेके आ जाओ, अपन बातचीत करेंगे, और बातचीत करके फिर अपन देखेंगे हम क्या कर सकते हैं, दवाई दे सकते हैं, साइकोथेरेपी कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं देखेंगे। पहले आप घर के लोगों किसको तो भी लाओ, अपन बातचीत करेंगे देखेंगे, और फिर हम तय करेंगे कि अपनी लाइन ऑफ ट्रीटमेंट क्या होना चाहिए। तो बोले ठीक है मैं वैसा करती हूँ, मगर अभी मुझे कुछ ना कुछ आप दवाई दे दो, मुझे नींद भी नहीं आती। बोले हाँ मैं आपको नींद के लिए दवाई देता हूँ, थोड़े विचार कम हो जाएंगे उसके लिए दवा देता हूँ। मैंने उसको ऑब्सेशन, मतलब बार बार विचार जो आते हैं उसके लिए, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर के लिए हम जो दवाई देते हैं ना, ऐसे सारा है, तो वो दवाई उसको मैंने दिया। उसके साथ साथ अभी इसको पैरानॉइड, मतलब डेल्यूजन के लेवल तक वो आया कि नहीं नहीं वो तो पक्का ही है, तो मैंने बोला भाई एंटीसाइकोटिक भी थोड़ा सा ऐड करता हूँ, वो भी उसको मैंने एंटीसाइकोटिक दवा दिया। मतलब बोले कि आप मेरे को 15 दिन के बाद मिलो,
फिर हम देखते हैं क्या हो गया। तो 15 दिन के बाद में वो लेडी आई, बोले मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। अब मुझे पता नहीं कि कौन सी दवाई से, मैंने दोनों भी दवाई दिया था, मतलब पता नहीं कोई कौन सी दवाई से उसको अच्छा लग रहा है। बोले मेरा दिमाग अच्छा हो गया, शांत हो गया, मुझे नींद भी अच्छी आ रही है, और मुझे लगता है कि मेरे विचार ही है वो, एक्चुअली कोई मेरे बारे में बात नहीं कर रहा है। तो वो बार बार जो विचार आ रहे उससे मुझे ऐसा लग रहा था, ऐसा वो बोलने लगे। मतलब ठीक है, आपको अच्छा लग रहा है, बहुत ही अच्छा है। उसके साथ साथ अभी कुछ रैशनल इमोटिव बिहेवियर थेरेपी REBT, उसके बारे में बातचीत करते। मैं भाई REBT मैं आपको देता हूँ, वैसे मैं आपको सम्मोहन उपचार भी करवाता हूँ जिससे आपको अच्छा लगेगा, और आपको 100% ऑब्सेशन जो है उससे भी फायदा हो जाएगा। बोले मैं ठीक है, मैं करने को तैयार। उसको मैंने वो भी दवाई, वो भी ट्रीटमेंट चालू किया, और अभी वो ठीक हो गए पूरी। ये काफ़ी लोगों को ऐसे परेशान लोग हैं, ऐसे कॉम्प्लिकेशंस अलग अलग डेवलप हो जाते हैं अपने अपने विचारों में जब वो खो जाते हैं तो। और अकेले अकेले विचार करते रहे, लोगों को मालूम नहीं रहता है, घर के लोगों को मालूम नहीं है कि ऐसा प्रॉब्लम है, और फिर वो सफ़र करते रहते हैं। इसलिए वीडियो लोगों को शेयर करो ताकि लोग अपना अपना इलाज कर सकेंगे और अपना जीवन अच्छा जी सकेंगे। वीडियो देखने के लिए, शेयर करने के लिए, लाइक करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।